वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, स्वागत है ताड़ा साडे यूट्यूब चैनल ते। जिमें कि आप जानते हो, असी अपने चैनल ते वीडियो दे राही आप संगत नू इतिहासिक गुरद्वारा साहबान दे दर्शन करवाने हाँ। अज इसे ही लड़ी नू अगे तोरदे हुए एक ऐसे स्थान ते पहुँचे हाँ जिन्हां नू सिख कौम विच बहुत वड्डा मान प्राप्त है अते जो सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे पहले हैड ग्रंथी भी रह चुके हैं। उन्हां दा नाम है धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी। अज इस वीडियो दे विच धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी दे जन्म स्थान दे आप जी नू दर्शन करवाउन जा रहे हैं। सो सारे नू बेनती है कि चैनल नू सबसक्राइब करो अते इस वीडियो नू वध तों वध शेयर जरूर करो। आओ जी हुण दर्शन करदे हाँ गुरद्वारा जन्म स्थान बाबा बुढ़ा साहब जी दे, जो कि पिंड कत्थू नंगल जिला अमृतसर दे विच स्थित है। धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म माता गौरां जी दी पवित्र कुख तों भाई सुग्गा जी दे ग्रह विखे 7 कत्तक सम्मत 1563 नूं पिंड कत्थू नंगल जिला श्री अमृतसर विच होया। बाबा बुढ़ा साहब जी दी माता गौरां जी बहुत ही भजन बंदगी वाले सन, जिस करके उन्हां दी भजन बंदगी दा प्रभाव बाबा बुढ़ा जी उत्ते भी पिया। बाबा बुढ़ा जी ने बचपन विच ही मझां दे वग दी देख रेख दी जिम्मेवारी संभाल ली सी। उन्हां दे मापिया ने उन्हां दा नाम बूढ़ा रखिया सी। उन्हां दे जन्म तों कुछ चिर मगरों बाबा बुढ़ा जी दे मापे पिंड रमदास आके वस गए। जदों 12 वरियां दे सन तद श्री गुरु नानक देव जी प्रचार करदे रमदास पिंड पहुँचे। बूढ़ा जी मझां चारदे उत्थे आ गए। उन्हां ने गुरु जी का उपदेश सुनिया। फिर तां उह रोज़ गुरु जी कोल आउंदे, उन्हां दा उपदेश सुनदे अते उन्हां वास्ते दुध लिया के भेट करदे। एक दिन गुरु जी ने बूढ़ा जी नाल गलबात कीती। बूढ़ा जी ने गुरु जी कोलों आत्मिक जीवन नाल संबंधित कई प्रश्न पूछे। उन्हां ने गुरु जी नूं यह बेनती कीती कि उह उन्हां नूं इस 84 दे गेड़ विचों कढ देण। गुरु जी ने खुश हो के कहा, तू है तां बच्चा पर गल्लां बुढ़िआं वालियां करदा है, तू बच्चा नहीं बुढ़ा है। उस दिन तो ही बाबा बुढ़ा साहब जी का नाम बुढ़ा जी पै गया। सिख उन्हां नूं प्यार नाल बाबा बुढ़ा जी आखदे हन। बाबा बुढ़ा जी श्री गुरु नानक देव जी दे सेवक बन गए। उह सारा दिन संगतां दी सेवा करदे, खेतां विच जा के खेतीबाड़ी दा काम करदे अते सदा नाम जपदे रहिंदे। उन्हां ने अपना जीवन संगतां दी सेवा विच लगाया अते गुरु जी दी किरत करनी, नाम जपना अते वंड के छकण दे उपदेश नूं कमा के दिखाया। श्री गुरु नानक देव जी उन्हां उपर बहुत प्रसन्न सन अते जदों गुरु जी ने गुरियाई श्री गुरु अंगद देव जी नूं सौंपी तां गुरियाई दी रसम बाबा बुढ़ा साहब जी दे पासों अदा करवाई। इस तों बाद तीजी पातशाही, चौथी पातशाही, पंजवीं अते छेवीं पातशाही नूं वी गुरता गद्दी दी रसम बाबा बुढ़ा जी ही अदा करदे रहे। बाबा बुढ़ा जी सिख इतिहास अंदर एक ही वेले ब्रह्म ज्ञानी, अनन सेवक, पर उपकारी, विद्वान, दूर अंदेश, महान प्रचारक जिहे विशेषणां नाल जानी जाण वाली शख्सियत है। बाबा बुढ़ा जी ने 125 साल की उम्र विच्चों 113 साल गुरु साहब की शरण विच रह के सेवा निभाई। सो ए सी इतिहास इस गुरद्वारा साहब का जो आप संगत जी दे नाल असी सांझा कीता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।